दोस्तों आज हमारे पास 1 किलोवाट का स्टेबलाइजर है। इसकी कॉइल जल गई है, बर्न हो गई है। तो ये 7 नंबर 2 इंच कॉइल है। तो अब इसको हम चेंज करेंगे 7 नंबर 4 इंच कॉइल से, और कोर 2 इंच डालना है, तब ये 2 किलोवाट बन जाएगा। दोस्तों रीजंस क्या होता है इस कॉइल जलने का, एक तो हम ओवरलोड इस पर डालते हैं, मतलब 1 किलोवाट का था तो हमने 1500 या 1600 या 2 किलोवाट इस पर लोड चलाया है। दूसरा, अगर कोर लूज़ होगा तो उससे भी ये कॉइल जल सकती हैं, क्योंकि ज़्यादा हीट अप होती हैं। और एक रीज़न ये भी हो सकता है, यहाँ पे देख सकते हो गैप है, यहाँ पे एडी करंट लॉस होता है। आगे आप देखोगे वीडियो में कि एडी करंट क्या होता है। इस तरह आपको नट बोल्ट्स को ओपन करना है, इसके बाद हैमर से इस तरह ढीला करना है। दोस्तों लास्ट में जो टाइटिंग के लिए 5 या 6 पीस हम डालते हैं, वहीं से शुरू करते हैं इसको निकालने का। पहले यहाँ पे आई निकालते हैं, फिर गैप आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गैप बन गई है। को इस तरह एक पतला चेजल लेना है और इसमें डालना है। इस तरह वहाँ से ई बाहर निकलेगा, तो इस तरह आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको निकालना है धीरे धीरे, एक साइड से थोड़ा ऊपर, फिर एक साइड से, इस तरह ये बाहर निकलेगा। इन 6 या 7 पीसेस को निकालने के बाद ये बिल्कुल ढीला हो जाता है, फिर आसानी होती है। इस तरह आपको निकालना है, बिल्कुल आसान है ये। इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कोर के मुतालिक बनाऊंगा, जिससे आपको सारा डाउट क्लियर होगा कि कौन सा कोर कितने नंबर का होता है। दोस्तों आप तक ये वीडियो पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसके लिए आप हमको सपोर्ट भी कर सकते हो। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आप इस फील्ड से इंटरेस्ट रखते हो या यही काम करते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे मैं नए नए वीडियो लाऊंगा जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट भी कर सकते हो। दोस्तों ये 7 नंबर 4 इंच कॉइल है, एल्युमिनियम कॉइल है। ये कस्टमर के डिमांड के हिसाब से मैंने कॉइल को सिलेक्ट किया है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। दोस्तों इस तरह आपको यहाँ पे इंसुलेशन पेपर लगाना है दोनों साइड से, नीचे साइड से भी। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो मैंने काट के रखे थे, तो अब इसको इस डालना है। बाद में हम इसी ई दो के बीच में हम 5, 6, 7 ई डालेंगे, तो इससे कोर बिल्कुल टाइट होगा। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पूरा कोर इसमें डाल दिया है, तो अब इसको नट बोल्ट लगाने हैं, इसे भी टाइट करना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये भी 4 इंच बन गया है यहाँ पे। तो अब इंशाल्लाह जल्दी ही इसका सेकंड पार्ट मैं अपलोड करूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना, तब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा उस टाइम। अल्लाह हाफिज़।